अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं जुलेखा अरफान, जुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ पालक दाल। हमारे घर में मेरे हस्बैंड अरफान हैं, उनकी बहुत ही फेवरेट है ये। यूजुअली तो मैं दो जुड़ी का बनाती हूँ, लेकिन आज सिर्फ एक ही जुड़ी का बना रही हूँ। मेरे को लग रहा है फर्स्ट टाइम होगा ना करेक्ट अरफान, एक जुड़ी का बना रही हूँ। नहीं तो हम इतनी बनाते हैं कि नेक्स्ट दिन भी खाई जाए तो दो जुड़ी का बनाते हैं, मतलब डबल क्वांटिटी का बनाती हूँ। बट आज सिर्फ मैं एक जुड़ी का बना रही हूँ, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी सिंग की चटनी। वैसे सिंग की चटनी एक अलग टाइप से मैंने बनाई है, उसका रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। बट आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे बताऊंगी, तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि इस दाल के साथ ना वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही मजेदार लगती है। या आप कोई नॉन वेज वाले बंदे हो तो आप नॉन वेज सर्व कर दीजिए, लेकिन वो चटनी जरूर बनाइएगा, सिंग की चटनी इसके साथ। तो अच्छा, मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो पालक की झुड़ी ली है, और उसे बस इसकी डंडिया पहले तो मैं तोड़ रही हूँ, बस यही कर रही हूँ। सबसे पहले जब ये डंडिया टूट जाती है, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो पालक थी ना, उसे साफ करने के बाद दो तीन पानी से धो लिया, और ये छन्नी में रख दिया है मैंने। और अब मैं इसे रफली चॉप कर लेती हूँ, कुछ ऐसा बारीक बारीक काटना नहीं है, बस रफली थोड़ा सा चॉप कर लीजिए, काट लीजिए। ये देखिए, बस इस तरीके से थोड़े मोटे मोटे करके पीसेस कर लीजिए इसके ऐसे। तो ये पालक मैंने बारीक काट लिया है सारा, आप देख सकते हैं। एक टमाटर मीडियम साइज का मोटा मोटा काट लीजिए, एक मीडियम साइज की प्याज मोटी मोटी काट लीजिए, 8-10 कली लहसुन की को बारीक काट लेती हूँ मैं, 3-4 हरी मिर्चियां हैं, आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। मैंने मोटा मोटा काटा है, आप स्लिट करके भी डाल सकते हैं या फिर बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। ये 1/2 इंच अदरक है, इसे भी मैं बारीक काट लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारा काट लिया है। अच्छा, ये छोटी प्याज है ना, ये हम बघार के लिए साइड पर रखती हूँ, इसे बारीक बारीक काट दूंगी, तो बघार के लिए ये प्याज चाहिए। चलिए अब किचन में चलते हैं क्विकली। अच्छा, यहाँ पर मैं ना 1 कप चना दाल ले रही हूँ। आप चाहें तो वो दाल भी ले सकते हैं, हाँ, तुअर की, बट मुझे तो बेटर चना दाल से ही लगती है, तो मैं हमेशा चना दाल से बनाती हूँ। तो ये 1 कप चना दाल है, इसे 2-3 पानी से धो लीजिए। धो लें तो निकालने के बाद इसे कुकर के अंदर डाल दीजिए। इसके साथ साथ सारी जो सब्जियां हमने रखी है सारी डाल दीजिए, जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन जो हमने काटा ये सारा डाल दीजिए। पालक जो हमने रफली चॉप करके रखी है, काट कर रखी है, ये भी सारी डाल दीजिए, एक बड़ी सी जोड़ी जो थी। और अब यहाँ पर मैं तकरीबन 3 कप पानी डाल देती हूँ। ये एक गया, 1, 2 और ये रहा 3। अच्छा, अब हल्दी भी डाल दीजिए। मैं तकरीबन 1/4 से आधा छोटे चाय के चम्मच के दरमियान डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं 1 कप और डाल रही हूँ, तो टोटल मैंने 4 कप डाला। इसका ढक्कन लगा दीजिए और कुकर का, और चूल्हा कर दीजिए चालू फास्ट आंच पर, और इसे तकरीबन 3-4 सीटी फास्ट आंच पर खिला दीजिए। जब 3-4 सीटी फास्ट आंच पर हो जाए तो स्लो कर कर 15 से 17 मिनट या 18 मिनट उसे रहने दें स्लो आंच के ऊपर। वैसे आपको लग रहा होगा कि मैं फ्रंट कैमरे से क्या कर रही हूँ। यूजुअली अरफात मेरी जो बीच के शॉट्स है ना, अरफात लेते हैं, सो कैमरा हैंडल वो करते हैं, तो आज मेरे पास कोई नहीं, तो मैं अकेली मैनेज कर रही हूँ, प्लीज बेयर विथ मी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो ये दाल चढ़ चुकी है, पालक दाल, और यहाँ पर मैं क्विकली चावल चढ़ा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। एक पतीली के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, 1/4 छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए, और एक छोटी डंडी, एकदम छोटी दालचीनी की डाल दीजिए। दोनों को तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तो 1 कप पानी भर के डाल दीजिए, और एक जो थाली है वो रेडी रखिएगा, जैसे ही पानी डालें क्विकली ढाक दीजिए, सो दैट ये जो बाहर उड़े ना ना सारा। चलिए, उसी समय 2-3 सेकेंड के बाद खोल लीजिए वापस, और बाकी का पानी डाल दीजिए। तो मैं यहाँ 2 ग्लास चावल का बना रही हूँ, तो यहाँ मैं 4 कप पानी डाल रही हूँ, डबल पानी डालना है। पानी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए चावलों के भाग का, और ढककर इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए, फास्ट आंच पर ही रखिए।
तब तक 2-3 पानी से चावलों को धो लीजिए और पानी में रहने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है आप देख सकते हैं, तो चावलों को नितार कर डाल दीजिए। वैसे मैंने चावल बासमती लिए लूज वाले, आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, सुरती कोलम भी ले सकते हैं। सारे डालने के बाद इसमें उबाल आ जाने दीजिए, एक बार चला लीजिए और इसे पकने दीजिए। तकरीबन तब तक पकाए फास्ट आंच पर जब तक है ना 70% पानी सूख नहीं जाता। जब 70% पानी सूख जाए तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच, हल्का सा ढाक दीजिए। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ढाक रही हूँ, थोड़ा सा खुला रखिएगा। इस तरीके से आप ढाकिए और इसे पकने दीजिए जब तक थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कुछ देर बाद में ये ड्राई हो गया, पानी पूरा सूख गया। तो अब मैं यहाँ थोड़ा सा 1/4 कप जितना पानी और छींटा मारी, क्योंकि मुझे हल्के सॉफ्ट चाहिए। और इसे पूरी तरीके से ढाक कर तकरीबन 5 मिनट दम पे मैं रख रही हूँ। 5 मिनट के बाद इसे खोल कर चला लेती हूँ इस तरीके से, और फिर से 5 मिनट दम पे रख देती हूँ। तो टोटल दम पे मैंने छींटे मार के 10 मिनट रखी है। अब जब टोटल 10 मिनट हो जाती है तो फिर से ये ढक्कन खोल कर इसे एक बार मैं फोड़ लेती हूँ और उसके बाद उसे बंद कर देती हूँ चूल्हे को। चलिए 17 से 18 मिनट हो चुके, चूल्हा कर दीजिए बंद। अच्छा ठंडा हो जाए तो कुकर खोलकर चेक कर लीजिए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारी गल चुकी है। अगर आपके पास झेरनी हो तो आप झेर लीजिए और फिर वहीं से प्रोसीजर चालू कर दीजिए। मेरे पास झेरनी नहीं है तो मैं फिर से थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ 1 कप जितना, इसे चला लेती हूँ और मिक्स करके इसे ढाक कर फिर से 4-5 सीटी खिला लेती हूँ, क्योंकि एक रस और हो जाए ना, मेरे पास झेरनी नहीं है। 4-5 सीटी खिला ली, चलिए चूल्हा कर देती हूँ बंद। अच्छा ठंडा हो गया, उसके बाद मैं यहाँ खोल कर चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए काफी हद तक एक रस हो गई ना। तो अब यहाँ पर हम बगार कर लेते हैं क्विकली, तो और ज्यादा मजेदार फ्लेवर उसका बगार से आने वाला है। कुकर को साइड पर रख दीजिए और यहीं पर ही आप फ्राई पैन रख दीजिए। इसमें मैंने एक छोटी प्याज आपको स्टार्ट में बताई थी, उसे मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। चूल्हा कर दीजिए फास्ट आंच पर चालू और 6-7 टेबलस्पून जितना असली घी डालिए। जी हाँ, इसमें असली घी का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है, तो कोशिश कीजिए कि आप असली घी ही डालें, उससे टेस्ट बहुत ही मजेदार आएगा हमारी इस पालक दाल में। और इसे आप ये प्याज को फ्राई कर लें, आपने तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तब तक इसे फ्राई कर रहे हैं, बार बार चलाते रहे, जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ये दाल में डाल दें। और इसके अंदर जिसमें हमने प्याज बगारी है ना, ये वाले में 1 कप पानी डाल दीजिए और इसे चलाकर इसमें डाल दीजिए हमारी दाल के अंदर। चूल्हा फास्ट पर ही रखिए, नमक डाल दीजिए, दाल के भाग का मिक्स कर लीजिए और एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढाक कर तकरीबन 15 से 17 मिनट पकने दीजिए दम पे, सो दैट ये जो हमने डाला है प्याज का बगार उसका भी फ्लेवर आएंगे। अच्छा गैसकेट निकाल कर डालिएगा अगर आप यही ढक्कन ढाक रहे हैं तो। अच्छा दाल हो रही है स्लो पे, तब तक मैं ना सिंग की चटनी बना लेती हूँ। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि अगर हमारे पास उखल और कुटनी ना हो तो कैसे बनाया जाए, तो मैं आज उसके बिना बता रही हूँ। यूजुअली तो मैं उखल से ही करती हूँ, बट आज मैं आपको बिना उसके बता रही हूँ। अच्छा यूजुअली ना मैं ये सॉल्टेड पीनट जो रेडी आते हैं ना, मैं उन्हीं से बना लेती हूँ। बट अगर आपके पास ये ना हो तो आप सादे जो पीनट्स आते हैं उसे लीजिए, थोड़ा सा आपके तवे के ऊपर भूनिए स्लो आंच पर, अच्छे थोड़े से भून जाए तो उसकी छील निकाल लीजिए और फिर उसे इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। ये वैसे एक पैकेट 40 ग्राम का है, तो ये दोनों 80 ग्राम का मैं इसका बना रही हूँ सिंग का। तो हम क्विकली बनाते हैं सिंग की चटनी। तो ये सारे मैं इसमें डाल देती हूँ। उसे ना अब मैंने इसमें डाल दिया है मिक्सर जार के अंदर छोटे वाले में, और इसे ज्यादा नहीं पीसना है, एकदम थोड़ा सा ही पीसना है कि बस वो छोटे छोटे पीस हो जाए। एकदम पाउडर नहीं बनाना है, हल्के से क्रंची क्रंची टाइप रखिए। तो कुछ सेकंड के लिए हम इसे पीसेंगे। ये देखिए कैसे हो गए ना पीसेस। अब मैं इसे क्या कर रही हूँ, एक बाउल में निकाल लेती हूँ और कूटने के कंपैरेटिवली ये थोड़े से बारीक हो जाते हैं डेफिनेटली, बट ये भी अच्छे लगेंगे। आप चाहे तो बस थोड़ा सा ही पीसें। अब इसमें ही मैं डाल देती हूँ, अब लहसुन आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, मुझे लहसुन इसमें बड़ा पसंद आता है। हाँ तो मैं क्या कर रही हूँ, 10 कली लहसुन की डाल रही हूँ और इसे भी
पीस लेती हूँ। चलिए इसमें साइड पर रख देती हूँ क्विकली। ये देखिए एकदम बारीक नहीं है, एकदम आप देख सकते हैं ना थोड़ा क्रंची क्रंची टाइप है, बस इतना ही रखना है। इसे भी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, डालकर इसमें डालकर इसे भी मिक्स कर लीजिए। अच्छा आप डाले तो आप चाहे तो एक और काम कर सकते हैं। अब आपको इतने मोटे मोटे नहीं चाहिए तो अब आप मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। इसे लीजिए थोड़ा सा इसके साथ डालिए लहसुन को, मतलब और आपको बारीक चाहिए लहसुन तो, और इसे थोड़ा सा जैसे आप देख सकते हैं मैंने डाला, थोड़े से सिंग के साथ पीस लीजिए। सो ये देखिए बढ़िया से और ज्यादा बारीक हो गए ना लहसुन। चलिए अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ बाउल के अंदर। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ये सारा डाल दिया मैंने। चलिए अभी इसे मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें नमक देख लीजिए, क्योंकि ये वाला मेरा नमक के साथ वाला था तो भी मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, चुटकी भर जितना, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। और समझिए ना आधा या एक छोटा चाय का चम्मच। एक मिनट, आधा या एक छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिएगा और इसे मिक्स कर दीजिए। अब यहां कम या ज्यादा आप डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा और ज्यादा डाल रही हूं, आप कम या ज्यादा कर दीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए इसे भी मिक्स कर लेती हूँ और अब क्विकली फ्राई पैन के अंदर इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं तेल डाल के हल्का सा। चलो तकरीबन 17-18 मिनट हो चुके हैं दाल पककर। एक बार मैं चला लेती हूँ, खोल ली हूँ, देख लीजिए एकदम परफेक्ट हो चुकी है। नमक चेक कर लीजिए, अगर कम हो तो डाल दीजिएगा। अच्छा इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, एकदम पतली भी नहीं और एकदम गाढ़ी भी नहीं है, ऐसी ही होनी चाहिए। और आप वो झेरेंगे तो एकदम घुल चुकी होगी। मुझे हमेशा मैं ऐसी थोड़ी थोड़ी दिखने वाली रखती हूँ, मैं तो मैंने वैसी रखी है आप देख सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से गल चुकी है, हाथ लगाएंगे तो एकदम मैश हो चुकी है। तो अब मैं इसे साइड पर रख देती हूँ, बन चुकी है। और यहाँ पर मैं फ्राई पैन रख देती हूँ, चूल्हा मैंने मीडियम आंच कर दिया है। एक से डेढ़ टेबल स्पून जितना मैं ये आम तेल डाल देती हूँ ये फ्राई पैन के अंदर। जब तेल गर्म हो जाए थोड़ा सा हल्का सा, तो ये जो हमने बनाकर रखा है सिंह की चटनी का ये जो बनाकर रखा है, कूट कर रखा है, पीस कर रखा है, ये डाल दीजिए सारा फ्राई पैन के अंदर और इसे बार बार चलाते रहें और तकरीबन 1.5 मिनट तक इसे पकाएं। जब 1.5 मिनट तक ये पकेगी ना तो हल्की सी क्रंची हो जाएगी और काफी टाइम तक क्रंची रहेगी। जब 1.5 मिनट हो जाता है मीडियम आंच पर, बार बार चलाने के बाद इसे आप चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे निकाल लीजिए एक प्याली के अंदर या सर्विंग बाउल के अंदर। तो ये बन गई हमारी मजेदार सी सिंह की चटनी। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रखें और 3-4 दिन तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं। चलिए अब गर्मा गर्म मैं निकालती हूँ चावलों को। बढ़िया से चावल जो है ये मेरे बासमती हैं, इन्हें निकालती हूँ। इसकी भी रेसिपी आज मैंने आपको बताई है। और सिंह की चटनी तो अभी हमने साइड पर ही रख दी है, तो मैंने वहाँ यहाँ साइड पर दिख रही होगी आपको। और यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर मैं दाल भी निकाल लेती हूँ। मज़ेदार सी, क्या बढ़िया सी बनी है और चटपटी भी है, मज़ेदार सी भी और डिलिशियस भी है। मैं इसे गर्मा गर्म निकाल कर सर्व कर रही हूँ। तो आज आपको मैंने 3 टाइप की रेसिपीज़ बताई है। एक तो ये बढ़िया सी पालक दाल, मेरी फेवरेट, हमारी घर की फेवरेट है ये। और वो बघारे हुए चावल मैंने आपको बताया, उसकी रेसिपी भी बताई है प्रॉपरली। और जो सिंह की चटनी है उसे बिना उखल के आप कैसे बना सकते हैं वो भी बताई है। अगर आपको दूसरी दालों की रेसिपीज चाहिए, मैं आप लोगों के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ बनाई है और अपलोड की है। तो चलिए अभी मैं गर्मा गर्म सर्व तो कर चुकी हूँ, खा रही हूँ। तो आइए बोलिए बिस्मिल्ला मेरे साथ। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ टेस्ट में भी कैसा है। देखिए बढ़िया सी मजेदार सी मेरी पालक दाल, माशाल्लाह
देखिए कितनी अच्छे से घुल चुकी है और थोड़ी थोड़ी दिखती है, तो मुझे वैसे ही चाहिए, इसके लिए मैं उसे झेरती नहीं हूँ जैसे मैंने आपसे कहा। और ये बढ़िया सा सिंग की चटनी, मजेदार सी, क्रंची क्रंची, और मैं तो हाथ से ही खाती हूँ, धोए हुए ही है ऑब्वियसली हाथ। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार है दोनों, ये भी और ये भी। खिला के दिखाऊं आपको? दोनों खिला के दिखाऊं? ओके चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है ना, कैसा लगा बताओ? तो अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसे, ये वाली रेसिपी को फॉरवर्ड भी कीजिए इसके लिंक्स। और बस यहीं से बस मैं तो खा रही हूँ, और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट अगली रेसिपी में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।